टाइम हुए हैं 10:25 एंड संडे 8 जुलाई रात को नाल की सी बर्फ गिरी है। सो हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज गुलजार सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलजार ब्लॉग्स। तो कैसे हो सर, उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। रात को हल्की सी बर्फ गिरी है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही हल्की है। तो अभी जस्ट बाहर निकले, सीधे जाएंगे नीचे इस तरफ। वैसे विंटर स्पोर्ट्स होते हैं यार, अभी इस बर्फ़ में पानी वानी जम जाते हैं, विंटर स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। एक होता है लोकल आर्चरी, वो तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं जा रहा हूँ दूसरे स्पोर्ट्स में जो है आइस स्केटिंग, वहाँ पर जा रहा हूँ। नीचे दरिया के सामने ही होते हैं, पास में ही होते हैं। इस साल नया बना है, मुझे नहीं आता बट मैं सीख रहा हूँ। लास्ट टाइम गया था जब मैं ले गया था ना, उस दिन से पहले एक दिन गया था और आज जा रहा हूँ, आज मेरा दूसरा दिन है आइस स्केटिंग में। तो उम्मीद करता हूँ अभी आज तो उस दिन जो हुआ था वो हालात वो आज ना हो। जब हल्का सा बर्फ़ गिरता है ना तो उसमें फिसलने का बड़ा चांस रहता है भाई, अगर फिसल गया ना तो बहुत बुरा लगेगा, बहुत ही बुरा लगने वाला अगर फिसल गया। लेकिन मैं एहतियात से चलूँगा ताकि फिस नहीं फिसलेंगे भैया। हो गया, जहाँ जाना था ये रास्ता सीधे पहुँच गए जी। हमने ना दो ग्राउंड्स बनवाए थे, एक ग्राउंड ये रहा जहाँ पर पहले होते थे, बट अब यहाँ पर नहीं है, नीचे वाले ग्राउंड पे आए थे। यहाँ पे मुझे लोग दिख रहे हैं तो सीधे वहीं चलते हैं क्योंकि सारे लोग वहाँ आ चुके हैं। मुझे सीख गया यार इस चीज़ से, भागा भागा जा रहा हूँ। वाह, सारे लोग हैं वहीं पे थे। सब कुछ क्लोज हो गया अभी। ओके, बैग भर के चलो भाई, चलो चलो, टाइम हो गया भाई, चलो वापस। ओ ओ, मुझे 12:15 एंड अभी जस्ट फिनिश करके वापस जा रहे हैं, इसके बाद शायद शाम को फिर से आएंगे लगभग 3:30 या 4 बजे। फिलहाल चलते हैं घर क्योंकि टाइम हो गया 12:15 बंद करना था, कर दिया अभी 12:15, सारा कुछ क्लोज करने में वो टाइम थोड़ा और लग गया, तो 15-20 मिनट इसी में। स्केटिंग करने जाने के लिए बाहर निकला था, जैसे ही बाहर निकला बर्फ़ गिरना शुरू। ये देखो यहाँ पर अब गिर रहे हैं, बोला था तो 2-3 दिन बर्फ़ गिरेंगे तो अभी शुरू हुआ है। रात को हल्की सी आई थी, सुबह दिखाया एंड अभी गिर रहे हैं फिर से, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब बर्फ़ गिरने का इसका ना अलग सा मज़ा है, बट ठंड थोड़ा कम होना चाहिए तो बट ज़्यादा है। नहीं हाँ कोई बात नहीं, अभी फ़ोन करता हूँ बाकी लोग वहाँ पे गए कि नहीं स्केटिंग करने के लिए। अगर गए हैं तो जाऊँगा, नहीं गए तो नहीं जाऊँगा, फ़ोन करके चेक करना पड़ेगा क्योंकि बर्फ़ गिर रही है इसीलिए। तो स्नोफॉल में सो मोस्टली नहीं जाते, अगर गए तो मैं भी चले जाऊँगा, अगर बाकी सब लोग नहीं गए तो नहीं जाऊँगा। फ़ोन करके एक बार कंफर्म करता हूँ, जब फ़ोन करके पता कर लिया नहीं गए कोई भी, बोला बर्फ़ गिर रहे तो नहीं गए क्योंकि साफ करना पड़ता है ना बर्फ़ आइस के ऊपर से, तो इसीलिए अब गिर रहे तो उसको मतलब कंटिन्यूसली अभी बर्फ़ गिर रहे तो यहाँ से साफ़ करेंगे, सेट से फिर से गिर जाएंगे। तो साफ़ करना
वो कुछ अच्छा नहीं रहता इसीलिए। अरे यार मुझे एक चीज़ लेकर आना था, मैं भूल गया। बादल तो आगे जाना है, कोई विजिबिलिटी नहीं। लाइक इस साइड के पहाड़ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह बादल छा गए। ये वाले पहाड़ हल्की सी दिख रहे हैं, इस साइड तो कुछ भी नहीं है। सेम इस साइड भी कवर अप दिख रहे हैं। ये देखो ये सारा कुछ। सो ये डिब्बा मैं घर भूल गया था, इस तो यही था बस जो भूल गया था, यही सामान, ज़्यादा कुछ नहीं। मैं वहाँ पहुँचा ना, उसका जैसे ही उनका घर देखा तो मुझे याद आया, इसीलिए वापस आया। क्या 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 क्या, जस्ट एक घर से बाहर निकला एंड ये देखो सीधे बहुत ही तेज, मतलब तेज़ बर्फबारी वाली है, एकदम मज़ेदार। शाम हो गया, अजान हो गया, अभी जा रहे हैं घर। जब आए थे ना तो यहाँ पर जूते के निशान थे लोगों के चलने के, अभी वो सारे निशान मिट गए। देख इस तरफ मेरे पैरों के निशान सिर्फ सिंगल, यहाँ से कोई आदमी चला था उसकी हल्की निशान है बस। वहाँ से चल के यहाँ से चल के यहाँ पहुँचे एंड ज़रा ये देखो क्या हालात हो गई है। देख देख बाजुओं पे देख एंड इस साइड में भी है, सिर पे भी, चेहरे पे भी, इधर भी, मतलब इतनी हैवी स्नोफॉल हो रही है, एकदम मज़ेदार हो गई। जब शाम को ठंड थी, जब मैं जा रहा था ना वहाँ पर घर से बाहर, तो जब शुरू हो रहे थे बर्फ तब से कुछ ठंड ज़्यादा थी। अभी के कंपैरिजन में, अभी उसके कंपैरिजन में बोले तो अभी बहुत ही कम हो चुके हैं, काफ़ी हद तक कम है, बट है अभी भी फील हो रहा है, बट कम है थोड़ा बहुत। अरे इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पेंड कर देता हूँ। वो बोलूँगा वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हाँ चैनल पर नया होता तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी सब एकदम बढ़िया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। मेरे को सब्सक्राइबर्स को और ज़्यादा चाहिए यार।